लन रहीम असल प्री नाइन्थ क्लास लास्ट टाइम बेटा हमने थ्री अपनी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक हमने पढ़ी थी कि यूनी ऑर्गेनाइजेशन एक क्लोनियल और लास्ट वन हमने पढ़ा था मल्टी ऑर्गेनाइजेशन होती है मल्टी में सेल्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम वगैरह बनाते हैं ठीक है और उससे क्या बनता है ऑर्गनिज़म्स बनता है उसकी दो एग्ज़ैम्पल्स थी मस्टर्ड प्लांट एंड फ्रॉग आज हम ये पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स मस्टर्ड प्लांट देखें बेटा आपने ये हेडिंग्स देनी है साइंटिफिक नेम इसका क्या है ब्रासी का कम्पेस्ट्रस आपने बी कैपिटल डालना है और सी छोटा जब भी साइंटिफिक नेम लिखते हैं इसके दो पार्ट होते हैं फर्स्ट का आपने फर्स्ट लेटर बड़ा डालना है और सेकेंड का फर्स्ट लेटर छोटा डालना है ठीक है बरासी का कम्पेस्ट्रस इसका ग्रोइंग पीरियड देखें सोन इन विंटर एंड इज प्रोड्यूस सीड्स एट द एंड ऑफ विंटर ठीक है विंटर में ये ग्रो किया जाता है उगाया जाता है और ये एंड ऑफ द विंटर ये सीड्स देता है अपने फिर देखिए बेटा इसके यूज क्या हैं द प्लांट बॉडी इज़ यूज एज वेजिटेबल ठीक है वेजिटेबल के तौर पर इसको पकाया जाता है एंड इट्स सीड्स आर यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल और इसके सीड से क्या किया जाता है ऑयल्ट्रैक्ट uh, किया जाता है ठीक है द ऑर्गन ऑफ द बॉडी कैन भी डिवाइड इन टू टू ग्रुप्स ठीक है दो ग्रुप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन रूट स्टेम ब्रांचिज आपने हेडिंग क्या देनी है वेजिटेटिव ऑर्गन और यहाँ से स्टार्ट करना है रूट स्टेम ब्रांचिज एंड लीव्स आर वेजिटेटिव ऑर्गन ठीक है बेटा दो तरह के ऑर्गन होते हैं एक वो जो 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 रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं वो क्या होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और एक वो जो 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 हमारे बाकी जिसम के सेल बनाते हैं इसी तरह प्लान्ट भी है जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते वो क्या होते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन अब प्लांट्स के बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है एक वेजिटेटिव ऑर्गन्स रूट्स स्टेम ब्रांचेस एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव ऑर्गन विच डू नॉट टेक पार्ट इन द सेक्शुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट ठीक है फिर आपने देनी हैडिंग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लान बिकॉज द टेक पार्ट इन सेक्शुअल प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसड फ्रूट्स एंड सीड ठीक है फ्लावर्स क्यों हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्योंकि सेक्शुअल प्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं और सीड्स एंड फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं ठीक है इसमें बेटा आपको समझ आ गया आपने साइंटिफिक नेम की हेडिंग देनी है फिर उसका ग्रोइंग पीरियड लिखना है यूजेज लिखना है कि वेजिटेबल के तौर पर यूज़ होता है और हम इसे ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके बाद आपने हेडिंग देनी है इसके पार्ट्स की दो पार्ट्स होते हैं वेजिटेड ऑगन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये क्लियर होगी बेटा एग्जाम्पल अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारी है फ्रॉग इसका साइंटिफिक नाम नेम क्या है उसी तरह राना टाइगराना देखिए फर्स्ट नेम का कैपिटल लेटर बड़ा और सेकंड का फर्स्ट लेटर छोटा ठीक है राना टाइगराना फिर उसकी सेल ऑर्गेनाइजेशन के शो द मल्टी सेल ऑर्गेनाइजेशन फिर द बॉडी इज मेड ऑफ ऑर्गन सिस्टम एंड ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स ठीक है ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं और इसमें ऑर्गन्स होते हैं ऑर्गन सिस्टम किससे बन के बना होता है ऑर्गन से ऑल द ऑर्गन्स आर मेड ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज एपिथीलियल ग्लैंडुलर मस्कुलर नर्वस ठीक है ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन्स कौन कौन से दिखाए हैं ऑर्गन्स uh, तमाम जो हैं वो किससे मिलकर बने हैं स्पेसिफिक टिश्यूज़ से और टिश्यूज़ कौन से एपिथेलियल भी हो सकते हैं ग्लैंडुलर भी हो सकते हैं मस्कुलर और नर्वस टिश्यूज़ इसका बस बेटा दो ही हेडिंग्स आएंगे साइंटिफिक नेम और सेलर ऑर्गेनाइजेशन और उसमें ये सारा आ जाएगा हमारा चैप्टर कम्प्लीट हो गया बेटा इसके बाद हमारे एम सी क्यूज़ हैं ठीक है ये आपके सबके सब ये देखें ये कहाँ से दिए हुए हैं बुक से ही दिए हुए हैं ठीक है ये बेटा आप लोगों ने कवर कर लेना चलिए मैं करवा देती हूँ मेम्बर्स ऑफ सेम स्पीशीज़ लिविंग इन द सेम प्लेस क्या है पॉपुलेशन ये हमने पढ़ा था एक ही स्पीशीज़ के मेंबर्स जो एक ही जगह पर रहते हैं और सेम टाइम होता है वो क्या होते हैं पॉपुलेशन सेकंड देखें इफ़ आर साइंटिफिक साइंटिस्ट इज स्टडिंग द मेथड ऑफ इंसर्टिंग ह्यूमन इंसुलिन जीन इन बैक्टीरिया विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ये है बायोटेक्नोलॉजी बेटा आपने फुल चैप्टर बिल्कुल आपने डिटेल के साथ एट्थ क्लास में पढ़ा है

फंजाई ठीक है ये एबजॉर्बिव होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं अपने फूड को सिमिलर सेल ऑर्गेनाइज इनटू ग्रुप्स आर परफॉर्मिंग सेम फंक्शन आर नोन एज टिश्यू एक जैसे सेल मिलकर क्या बनाते हैं टिश्यू अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन याद की है तो ये आपको खुद ही आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं करेक्ट आंसर विच ऑफ़ दिस टिशू आल्सो मेक द ग्लैंडुलर टिश्यू इन एनिमल्स एपिथीलियल टिशू ही ग्लैंडुलर सेल बनाते हैं द सेल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज लेस डेफिनेट इन प्लांट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल जैसे हम में ऑर्गन सिस्टम क्या होता है रेस्पायरेट्री होता है ठीक है सर्कुलेटरी होता है नर्वस सिस्टम होता है इस तरह पौधों में देखें ऑर्गन लेवल भी होता है इंडिविजुअल लेवल भी होता है टिश्यू लेवल भी होता है लेकिन ऑर्गन सिस्टम लेवल बहुत ही लेस डिफाइंड होता है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट वॉल वर्कस ये कॉलोनील होता है व्हेन वी स्टडी द फीडिंग रिलेशन अमंग डिफरेंट एनिमल स्पीशीज़ ऑफ अ फॉरेस्ट एट वट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी आर स्टनिंग कम्युनिटी ठीक है हमने पढ़ा था कि बहुत सारी जब पॉपुलेशन एक ही जगह पर रहती हैं बहुत सी स्पीशीज़ तो वो एक दूसरे के साथ कर रही होती है तो वो क्या होता है कम्युनिटी नेक्स्ट बेटा शॉर्ट आंसर्स हैं ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे इंशाल्लाह